मनपुरा वासियों ने किया पुलिस अधीक्षक सहित उनकी टीम का सम्मान। पिछोर विधानसभा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी रहे मुख्य रूप से उपस्थित। 7 माह के कार्तिक को पुलिस ने 48 घंटे में खोज निकाला। इस मौके पर मनपुरा ग्राम के लोगों ने पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया जी, SDOP प्रशांत शर्मा, TI अनिल भारद्वाज, उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, उप निरीक्षक प्रियंका पराशर, आरक्षक राम अवतार गुर्जर, सभी पुलिस बल का फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत मनपुरा सरपंच पति बसंत श्रीवास्तव की ओर से घोषणा किए हुए 11,000 पुलिस अधीक्षक को दिए। पुलिस अधीक्षक ने 11,000 कार्तिक पुत्र अर्जुन सिंह बच्चे के पिता के बच्चे की देखरेख को दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश में सभी जगह पुलिस स्टाफ की कमी है। एक आरक्षक 10,000 लोगों की सुरक्षा पर तैनात है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीण जनों से आग्रह किया गया है कि शराब, जुआ इत्यादि ऐसी चीज है जो हमारे शरीर और परिवार को क्षति पहुँचाती है, इन सभी को त्यागने की बात कही गई। पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया द्वारा कहा गया कि पुलिस को फूल बहुत कम मिलते हैं, कांटे ही ज़्यादा मिलते हैं और मेरा पूरा स्टाफ आज बहुत प्रसन्न है कि हमें ये फूल आप सभी लोगों के सहयोग से प्राप्त हुए हैं। पब्लिक ने किया, उसमें हमारे कितने टाइम बर्बाद हुए, 4-5 घंटे में प्रीतम भाई ने बहुत मेहनत की, कायदाम छुड़ाने में सब लग के जो है हटाए, समझाइश दी, समझाने में हमको जो है 5-6 घंटे टाइम बर्बाद हुए। वो बर्बाद नहीं करते, हो सकता था कुछ पहले भी रिकवर कर लेते बच्चे को, वो समय जो है हमको उधर देना। 10,000 लोग पर एक पुलिस वाला जवान, अब बताइए वो कैसे सिक्योरिटी सबकी बात कैसे सुन पाएगा। तो हमें प्रायोरिटी देना पड़ता है। हो सकता है आप लोग जाते हैं थाना, सुनवाई नहीं होती, हाँ वहाँ तो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन हमारी हमारे पास अभी आपने इस सज्जन ने बताया, अपने भानु भाई ने, भानु जैन साहब ने बताया कि हम फोर्स की बहुत कहाँ, और सरपंच साहब ने बताया, सरपंच साहब कहा, आपने बताया कि यहाँ पे फोर्स की बहुत कमी है। हम 60% फोर्स से काम कर रहे हैं, जो हमारे स्वीकृत बल है उसका 60-70% बल हमारे पास है, उससे हम काम कर रहे हैं। भर्ती हो रही है, हुई है, और भर्ती होने के बाद अभी बल हमारे पास आ जाएगा, उसकी हम पूर्ति भी कर लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अपराध या पब्लिक जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से फोर्स का भी बढ़ना बहुत आवश्यक है, और हम उस हिसाब से अपराधों का निकाल जो है करने में हमको विलंब हो जाता है। आप जाते हैं कोर्ट में, जाते हैं 10-10 साल आपकी पेशी रहती है, 5 साल केस चलता है, 10 साल चलता है, 15 साल चलता है, तब जाके निकाल क्यों हो पाता है, क्योंकि वहाँ भी केस का बढ़ आपको वो काफ़ी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो जब निकलेगा आपका नंबर आएगा तब जा आपका निकलेगा। लेकिन हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, हमने सभी को निर्देश दिया, हमारे 100 डायल की सुविधा आपको सरकार ने दी है, जो आप कॉल करके पुलिस को बुलाएं या पुलिस को भी सच्चाई बताएं, आप सचमुच में आपके साथ